हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में आज मैं आपको सिखाऊंगी किसी भी मैटर जो टेक्स्ट होता है उसके बीच में फोटो कैसे सेट की जाती है। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। पसंद आने पर प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोरल ड्रा ओपन है और यहाँ पर कुछ मेरे पास टेक्स्ट भी है। तो इस टेक्स्ट को पहले मैं कॉलम में डिवाइड करूंगी। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है यूट्यूब में अपने कि किसी भी टेक्स्ट को कॉलम में कैसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसे फटाफट पहले हम कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए आएंगे हम टेक्स्ट में, फॉर्मेट टेक्स्ट में आएंगे या फिर कंट्रोल प्लस टी आप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कुछ डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर कॉलम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पर हम करेंगे कॉलम थ्री। थ्री कॉलम में या फोर कॉलम में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और नीचे जो यहाँ पर गटर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गटर में ज़्यादा है तो इसे हम कर देते हैं 10 और बाहर क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बाहर जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन इस बार यहाँ पे क्योंकि mm में है तो हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हम इसे क्या करते हैं, अपने स्केल को यहाँ से सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं और आप फिर से कंट्रोल प्लस टी करेंगे या फॉर्मेट टेक्स्ट में आएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम तीन कॉलम को बीच में गटर को हम यहाँ पर कर देते हैं 3। यहाँ पे हमने कर दिया 3 नहीं करते, 2 करते हैं, 2 करते हैं और अंदर ही क्लिक करते हैं। तो देखिए तीन कॉलम में हमारा ये डिवाइड हो चुका है। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं नीचे करूँगी और यहाँ पे इसको सेंटर पी करके सेंटर में कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पी करने से क्या होता है, ये पेज के सेंटर में आ जाता है। अब यहाँ पर हेडिंग भी चाहिए तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं। पहले से मैंने हेडिंग बना के रख रखी है, इसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं और इसे थोड़ा सा मोटा बना के इसे कलर में दे देते हैं क्योंकि हमें जो हेडिंग है बहुत सुंदर सी थोड़ी बनानी है, तो इसे मैंने थोड़ा सा कलर में दे दिया। अब हमारा मैटर टेक्स्ट में भी डिवाइड हो गया है और हेडिंग भी बन गई है। बगल में एक फ़ोटो लगी है, इस फोटो को लाते हैं और यहाँ पे इस तरह से सेट कर देते हैं। अब ये फ़ोटो जो है ऑलरेडी पहले से सेट थी, तो जरा मैं पहले से बता देती हूँ, इस फोटो को मैं पहले अंडो कर देती हूँ। और ये फ़ोटो में हमें टेक्स्ट रैपिंग करनी होती है जो मैंने क्या कहते हैं पहले से कर रखी, तो मैं हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोरल ड्रा में किसी टेक्स्ट को टेक्स्ट के बीच में पिक्चर फोटोज़ को सेट करेंगे तो उसके लिए आपको पहले फ़ोटो डिसाइड करना होगा कि आप फ़ोटो कितनी बड़ी सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो फ़ोटो है मेरी, मैं कम यहाँ पर रखना चाहती हूँ इसके सेंटर में, ये बार बार भाग जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उठाते हैं और इसको यहाँ पर मैं रखना चाहती हूँ। तो ये जो कॉलम है मेरा, इसके बराबर ही मैं रखना चाहती हूँ, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देती हूँ। अब आप अपने हिसाब से, अपनी सेटिंग के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, रैप पैराग्राफ टेक्स्ट में आना है, इसे क्लिक करना है और यहाँ पे स्ट्रेडल टेक्स्ट जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। और टेक्स्ट रैपिंग जो है आप कितने पॉइंट की देना चाहते हैं यहाँ से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट की रखती हूँ, 0.2 cm की, यानी कि जो सेंटीमीटर में 0.2 होता है उसको हम करेंगे ओके करेंगे। ओके करेंगे तो जैसे ही हमने ओके किया तो जो पिक्चर है उसके चारों तरफ से टेक्स्ट जो हमारा रैप हो चुका है यानी हट चुका है और हमारे मैटर को हम थोड़ा सा नीचे को और बढ़ा देते हैं, इसको बैलेंस में ले लेते हैं क्योंकि मैटर जो होता है बैलेंस में ही अच्छा लगता है। और ये हमारा सेट हो चुका है। अगर आप फोटो को यहाँ नहीं रखना चाहते हैं या और बड़ा करना चाहते हैं या साइड में सेट करना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं। फ़ोटो को और बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरह से और फोटो को हम बड़ा कर देते हैं। देखिए इतना बड़ा कर दिया मैंने और जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम नीचे खींच लेते हैं, ऐसे इस तरह से हम खींच लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर मैटर हमारा बढ़ चुका है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब दो लाइन को हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर करते हैं और यहाँ पे हमारी लाइन जो है थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारा मैटर जो है सेट हो चुका है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने टेक्स्ट को, फोटो को कितनी बड़ी रखना चाहते हैं, कितनी छोटी रखना चाहते हैं। और ये हमारा जो मैटर है, टेक्स्ट है, तीन कॉलम में डिवाइड भी हो चुका है और पिक्चर हमने सेट कर दी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से किसी भी टेक्स्ट में जब आप कोई मैगजीन बनाते हैं, न्यूज़पेपर सेट करते हैं, उसके बीच में अगर आपको पिक्चर लगानी है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट रैपिंग करना जरूरी है। और टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तभी आपके टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर सेट हो पाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि या तो आपका टेक्स्ट पीछे छिप जाएगा या फिर टेक्स्ट उसके ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी टेक्स्ट कोरल ड्रा में किसी भी टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर को कैसे सेट किया जाता है। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, बाय बाय।